Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Shamshad Ali Talpur. I am lecturer in Zoology at Shamshad Talpur, Government Boys Degree College, Tando Jan Muhammad, District Mirpurkhas, Sindh. आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्लास फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट जूलॉजी में से लिया गया है और टॉपिक का नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन जो चैप्टर नंबर 13 के अंदर मौजूद है। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की। सिस्टम है क्या? सेट ऑफ ऑर्गन्स। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा द सेट ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो पता चलेगा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ टू मेन पार्ट्स द एयर पैसेजवेज एंड द लंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एयर पैसेजवेज। एयर पैसेजवेज क्या है? पाथवेज, वो रास्ते जिनके जरिए हवा बॉडी के अंदर जाती है या वहां से बाहर आती है। पाथवे ऑफ एयर इट इंट्रोड्यूस। अब इसके अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं? सबसे पहले आते हैं नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल में ये नाक वाली ओपनिंग, ये नॉस्ट्रिल्स दो तरह के होते हैं, द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। नॉस्ट्रिल ओपनिंग है जिनके जरिए हवा अंदर जाती है, ओपनिंग्स थ्रू विच द एयर इज ड्रॉन इन। नॉस्ट्रिल के बाद हवा अंदर जाती है नसल कैविटी में। नसल कैविटी क्या है? इंटरनल कैविटी ऑफ द नोज, नाक के अंदर वाला हिस्सा, दैट कंटेन्स द एयर एंड म्यूकस। यहाँ पर ये जो एयर है नाक के अंदर जो मौजूद बाल है इनका काम है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट को ट्रैप करते हैं, और जो म्यूकस है उसका यहाँ पर मेन काम है कि वो हवा को मॉइस्ट करती है, इसको नम करती है, उसके टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होते हैं। उसके बाद होता है फैरिंक्स। फैरिंक्स एक कॉमन पैसेज है जो हवा के लिए भी है और खाने के लिए भी। कैसे होगा ये इंशाल्लाह आगे डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे। फैरिंक्स के बाद आता है ग्लोसस। ग्लोसस हम सांस की नली की ओपनिंग को कहते हैं जहाँ से हवा अंदर की तरफ जाती है। आल्सो नोन एज ओपनिंग ऑफ द ब्लेडर। फिर क्या है? नोन एज विंड पाइप। ग्लोटस के ऊपर ये ग्लोटस इज गार्डेड बाय द ग्लोटस, एक खास किस्म का कॉटिलेज डिस्प्ले होता है जो प्रिवेंट करता है फूड को ट्रेकिया के अंदर जाने से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स इज कॉमनली नोन एज साउंड बॉक्स। ये साउंड बॉक्स कंटेन करता है वोकल कॉर्ड्स और वोकल कॉर्ड्स की वाइब्रेशन की वजह से ही हमारी आवाज पैदा होती है। उसके बाद नीचे हम आते हैं तो उसको कोलैप्स होने से यानी आपस में चिपकने से बचाता है। इसके अलावा इसी ट्रेकिया के पास खास किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें कहा जाता है गोबलेट सेल्स। वो गोबलेट सेल्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं जो इंटरनली भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रेकिया के अंदर ट्रैप करता है। इसके अलावा सीलिएटेड सेल्स होते हैं जो उसको पुश करते हैं, तो जनरल तौर पर हवा को मॉइस्ट करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप करने का काम करते हैं। उसके बाद ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है दो फाइन ब्रांचेस में, दैट आर नोन एज ब्रोंकस। ये ब्रोंकस होती है इंटर्स इनटू द ईच लंग। यहां से हमारा दूसरा पोर्शन शुरू होता है द लंग्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर लंग्स मौजूद होते हैं उसे हम प्लूरल कैविटी भी कहते हैं। लंग्स जनरली तौर पर हमारे सीने वाले हिस्से के अंदर सिचुएटेड है। हम कहते हैं लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी यानी सीने वाले हिस्से। ये जो थोरेसिक कैविटी है हमारी, ये बनी हुई है इंटरकोस्टल मसल्स की और रिब केज। अब रिब केज में हमारी आ जाती है पसलियां। पसलियां हमारी जो है वो आगे की तरफ से अटैच होते हैं सीने की हड्डी यानी स्टर्नम के साथ, और पीछे की तरफ से वो अटैच होती है रीढ़ की हड्डी यानी वर्टिब्रल कॉलम के साथ, और इस तरह से मिलकर वो एक रिब केज बनाते हैं जिसके अंदर हमारे फेफड़े और दिल जो है वो बंद होते हैं। ये जो थोरेसिक कैविटी है ये हमारे पेट से सेपरेट होती है नीचे की तरफ से एक मस्कुलर पार्टीशन के जरिए जिसे हम कहते हैं डायाफ्राम। डायाफ्राम हमारे पेट वाले हिस्से और थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करता है। ये एक सबसे बड़ा करैक्टर है जो मैमल्स में पाया जाता है। चैप्टर नंबर 10 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मैमल का जो सबसे बड़ा करैक्टर है इंटरनली वो गर्दन की सात हड्डियां, 7 सर्वाइकल बोन्स और डायाफ्राम में है। उसके बाद
हमारे पास लंग्स अंदर लड़ी बड़ा पेयर्ड है तो दो होते हैं राइट एंड लेफ्ट। ये जो राइट लंग है इसके तीन लोब्स होते हैं और जो लेफ्ट लंग है उसके दो लोब्स, लोब्स मींस द पार्ट या हिस्से। अब राइट लंग के तीन हैं और लेफ्ट के दो लोब्स हैं। जनरली तौर पर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 10 में कि हम बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं। जब हम बायलैटरल सिमेट्रिकल हैं हमारे सारे पार्ट्स इक्वली मैन एक्सिस से डिवाइड करने के जो तकसीम हो जाते हैं, लेकिन आपने जनरली सुना है कि हमारा हेड जो है स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट होता है। इस तरीके से आप देखेंगे यहां पर स्क्रीन की तरफ स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट होता है। द रीजन बिहाइंड दिस कि राइट लंग के तीन लोब्स होते हैं और लेफ्ट के दो लोब्स होते हैं, इसीलिए हेड जो है वो स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट होता है। ये रीजन है जो आगे आप चैप्टर 14 में भी पढ़ेंगे। हर एक लंग के अंदर इनसाइड ईच लंग ये जो ब्रोंकस है ये डिवाइड हो जाता है फाइन ब्रांचेस में जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। वो ब्रोंकियोल्स आगे चलकर टर्मिनेट होती हैं एयर सैक्स में या अल्वोलाई में, और उन अल्वोलाई को कहा जाता है रेस्पिरेटरी सरफेसेस वेयर द गैसेस एक्सचेंज अकर। इन अल्वोलाई के पास ब्लड कैपिलरीज होती हैं जहां पर गैस एक्सचेंज होती है। अल्वोलाई के पास एक खास किस्म का सब्सटेंस भी होता है जिसे हम कहते हैं लंग सर्फेक्टेंट। ये लंग सर्फेक्टेंट सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है जब लंग्स के ऊपर दबाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हमारी हैं ये थ्योरी है रिलेटेड टू दी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम या सिंपली द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। ये हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। सबसे पहले एयर पैसेजेस की बात करेंगे तो आप देखें नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल एंटर होते हैं नसल कैविटी में। ये नसल कैविटी, नसल कैविटी के बाद ये जगह एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होती है। यहां से नीचे आते हैं तो फैरेंज। याद रहे नाक और मुंह के दरमियान में होता है सॉफ्ट पैलेट जिसे हम जनरली तौर पर कहते हैं तालू। ये जो सॉफ्ट पैलेट है इसका मेन काम है कि ये खाने को नाक के अंदर जाने से रोकता है। इसके बाद नीचे आता है फैरेंज। आप देखिए फैरेंज कॉमन डक्ट है जहां से खाना और हवा दोनों पास होते हैं। फिर यहां पर आप देखेंगे ये मौजूद है एपिग्लोटस। ये एपिग्लोटस जो ढक्कन है हमारे पास किसका, ग्लोटस का। ग्लोटस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ग्लोटस क्या है, सांस की नली की ओपनिंग। फिर उससे नीचे आप आएंगे तो ट्रेकिया। इस तरफ आप देखेंगे एसोफेगस जो आगे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। तो यहां पर ये ट्रेकिया, ट्रेकिया एंटर हो रही है लंग के अंदर। लंग के अंदर ये आप देखें ब्रोंकस, एक इसमें एंटर हुई एक इसमें, फिर ब्रोंकस के अंदर आप देखें ट्रेकियोल, ट्रेकियोल और फाइन ब्रांचेस हैं, फिर फाइनली आ रहे हैं एयर सैक्स यहां पर। ये दोनों कनेक्टिवली हमारे पास है लंग्स। अब इसकी आप सिंपल डायग्राम की तरफ आ जाए। ये अब शुरू हो रही है ग्लोटस। ग्लोटस सांस की नली की ओपनिंग है। ग्लोटस से नीचे हमारे पास है लैरिंक्स। ये लैरिंक्स साउंड बॉक्स कहलाता है जिसमें होते हैं वोकल कॉर्ड्स। उसके बाद आप नीचे करवाएंगे ट्रेकिया। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ट्रेकिया के पास सी शेप कार्टिलेजेस रिंग होती है। ये सी शेप रिंग्स उसको क्लैस्पिंग से बचाती है यानी चिपकने से बचाती है जब वो खाली हो जाता है। ये ब्रोंकस के अंदर भी मौजूद होती है। यहां पर आप देखेंगे ग्लोटस, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल से एयर सैक और अल्वोलाई, ये दोनों तरफ हमारे लंग्स। अब ये यहां पर एयर सैक को हम देख रहे हैं। फोकस किए आप करें यहां पर कि एयर सैक देखें बहुत सारे इसमें छोटे छोटे एल्वोल्स होते हैं। एल्वोल्स बेसिकली एक छोटे से पाउच टाइप की स्ट्रक्चर होती है। यहां पर आप देखेंगे कि उसके अंदर एंट्री बताई जा रही है कि ऑक्सीजन एंटर हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ जा रही है। और ये इस तरफ आप देखेंगे कि नीचे की तरफ जो है वो हमारे पास ब्लड कैपिलरी है। इसे हम कहेंगे ब्लड कैपिलरी। ये आप देखें ब्लड कैपिलरी है जिसमें ब्लड फ्लो कर रहा है। ये एरो बता रहा है कि यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है जो रिच है कार्बन डाइऑक्साइड में, और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड इंटर हो रहा है अल्वोलाई में। और यहां पर आप देखें ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन यहां से इंटर हो रहा है ब्लड सेल में, और यहां से जो ब्लड एक्सेल हो रहा है ये हो रहा है हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसे हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है आप जरा इस तरफ आएंगे तो पता चलेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हमारे जो लंग्स हैं उनकी एवरेज लंग कैपेसिटी 5 लीटर है। 5 लीटर हमारी एवरेज लंग कैपेसिटी है। मैक्सिमम लीटर जो हम अपने लंग्स के अंदर इनहेल कर सकते हैं वो 5 लीटर है। नॉर्मल ब्रीथ के दौरान हम आधा लीटर हवा लेते हैं और एक्स्ट्रा डीप ब्रीथ के दौरान हम 4 लीटर हवा ले सकते हैं। 1 लीटर हवा हमारे लंग्स के अंदर रहती रहती है। दूसरा फैक्ट जो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर वो है लैरिंग्स के बारे में कि लैरिंग्स इज नोन एज साउंड बॉक्स जिसके अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स जिसके जरिए हमारी आवाज पैदा होती है। फिर इसके कानून के मुताबिक आपने पढ़ा होगा साउंड का प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास वाइब्रेशन होती है। तीसरा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये हमारे पास
कि लंग्स के अंदर 700 मिलियन अल्वियोलाई होते हैं। यहां पर नोट करें, ये अल्वियोलाई है, अल्वियोलर सिंगुलर है इसका, तो 700 अल्वियोलाई होते हैं जो एक टेनिस कोर्ट के बराबर है, या आप यूं कहें कि आपकी बॉडी का 20 टाइम्स। आज के इस टॉपिक के रिलेटेड एक एमसीक्यू हमारे पास, ये स्ट्रक्चर दैट प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ट्रेकिया, वो कौन सी स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर है जो खाने को सांस की नली के अंदर जाने से रोकती है। सॉफ्ट पैलेट ऑफ ऑप्शन एपिग्लोटिस लैरिंज एंड फैरिंज। यहां पर हम देखें ऑलरेडी हम डायग्राम से पढ़ चुके हैं कि एपिग्लोटिस ही वो हमारे पास कार्टिलेजियस फ्लेप है जो खाने को सांस की नली यानी ट्रेकिया के अंदर जाने से रोकता है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। और इस टॉपिक के साथ रिलेटेड आपकी जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने पाथवे बनाना है इंस्पायरेशन का, कि हवा कैसे हमारे लंग्स की तरफ जाती है, और एक्सपायरेशन का पाथवे बनाना है, यानी इन जो इस तरफ आप देखेंगे एयर पैसेज वेज है, इनको आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीक्वेंस के अंदर रखना है और उस पैसेज वेज को बताना है। ठीक है, अब एक मरतबा फिर हम इसका ओवरव्यू ले रहे थे अपने टॉपिक का, कि आज का टॉपिक हमारे पास है रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन दो में स्ट्रक्चर्स पर मौजूद है हमारे पास, द एयर पैसेज वेज एंड द लंग्स। एयर पैसेज वेज हमारे वो सारे रास्ते हैं जिनके जरिए हवा हमारे जिस्म के अंदर आती है, जैसे नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल के बाद नसल कैविटी, फैरिंक्स, ग्लोटस, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल एंड द एयर सैक्स। और दूसरे हमारे पास लंग्स है जो कहलाते हैं हमारी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। इन रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर के अंदर हमारे एयर सैक्स के अल्वेओल्स हैं जो कहलाते हैं रेस्पिरेटरी सरफेसेस वेयर द गैसेस एक्सचेंज अकर। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का ये टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। हमारी इस कोशिश के बारे में जो आपका फीडबैक है, जो आपकी सजेशंस हैं, वो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। कोरोना के खिलाफ इस जंग में हुकूमत का साथ दीजिए, एहतियात कीजिए, अपने घरों पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।